उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के मझोला क्षेत्र में हुई हत्या की वारदात की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को काबू कर लिया। आपको बता दें कि 12 अगस्त बुधवार को मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र स्थित आकांक्षा कार शोरूम में तैनात सुरक्षा गार्ड की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने 24 घंटे में हत्या का खुलासा करते हुए हत्या करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से 315 बोर की लाइसेंसी बंदूक भी बरामद कर ली गई। बता दें कि हत्या करने वाला एक साल पहले इसी कार शोरूम पर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता था। मझोला थाना क्षेत्र स्थित दिल्ली रोड पर मारुति के शोरूम आकांक्षा मारुति में सिक्योरिटी गार्ड शाकिर की बीते बुधवार की सुबह गोली मारकर हत्या कर दी गई। शाकिर को गोली मारकर बदमाश फरार हो गए थे। मृतक शाकिर मझोला थाना क्षेत्र के भोला सिंह की मिलक का रहने वाला था। हत्या के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल शुरू की। एसपी सिटी अमित कुमार आनंद ने बताया कि हत्या करने वाला आरोपी सुरेश शर्मा निवासी बीरमपुर का रहने वाला है। मृतक शाकिर और आरोपी दोनों आकांक्षा ऑटोमोबाइल में एक साथ नौकरी कर रहे थे। करीब एक वर्ष सुरेश के वेतन के पैसों को लेकर कंपनी के सुपरवाइजर से विवाद हुआ था, जिसमें शाकिर ने बीच में पकड़कर लड़ाई झगड़ा किया था। आरोपी सुरेश ने बताया कि एक साल पहले 6 से 7 लोगों ने उसके ऊपर हमला किया था, जिसके संबंध में थाना मझोला में मुकदमा दर्ज करवाया गया था। आरोपी सुरेश ने बताया कि बाद में पता चला कि हमला करने वालों के पीछे शाकिर का हाथ था, तभी से शाकिर से रंजिश मानता था। बताते चले कि आरोपी सुरेश ने कार शोरूम से नौकरी छोड़ दी थी। लगभग एक महीना पहले सुरेश को पार्थ ओवरसीज में गार्ड की नौकरी मिल गई। तभी से वह इस फिराक में था कि वह शाकिर को सबक सिखाने का मौका कब मिलेगा। 12 अगस्त को मौका पाकर अपने साथी गार्ड ऋषिपाल के साथ आकांक्षा पर आया और समय करीब 2:30 बजे अपनी लाइसेंसी राइफल 315 बोर से गोली मारकर शाकिर की हत्या कर फरार हो गए। आरोपी सुरेश शर्मा की निशानदेही पर घटना के प्रयोग लाइसेंसी राइफल 315 बोर की और 3 कारतूस जिंदा एक खोखा कारतूस 315 बोर का बरामद कर लिए गए हैं। मुरादाबाद से संवाददाता बाजिद अली की रिपोर्ट। सर, कल मारुति आकांक्षा शोरूम में जो गार्ड शाकिर की हत्या हुई थी, क्या मामला खुलासा हुआ है? कौन लोग पकड़े गए, कैसे पकड़े गए? इसमें कल रात को पुलिस को सूचना आई थी, थाना मझोला क्षेत्र में मारुति का शोरूम है आकांक्षा शोरूम के नाम से, वहां पे जो एक गार्ड कार्यरत था उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसमें पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए 24 घंटे के अंदर लगभग इसका अनावरण किया है। इसमें दो व्यक्ति सुरेश शर्मा निवासी बीरमपुर थाना बिलारी और दूसरे उसका साथी ऋषिपाल पुत्र केहर सिंह, ये भी थाना बिलारी का है, इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। ये दोनों भी गार्ड की नौकरी करते हैं। इसमें जो इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया है कि लगभग एक साल पहले जून माह में ये जो मृतक था शाकिर और जो सुरेश शर्मा है, ये दोनों उसी आकांक्षा शोरूम में काम करते थे। इनके बीच में तनातनी रहती थी काम को लेकर। उस वहाँ पे एक बार कुछ 5-6 लड़कों ने जो मृतक है जो सुरेश शर्मा है जो अभियुक्त पकड़ा गया है उसके ऊपर अटैक हुआ था, मारपीट हुई थी, जिसमें मुकदमा दर्ज किया गया था पुलिस के द्वारा, उसमें चार्जशीट भी लगी थी। तो इस जो मृतक है शाकिर, इसके ऊपर सुरेश को हमेशा शक था कि जिन लड़कों ने मेरे को मारा है ये इसी शाकिर के द्वारा मुझे पिटवाया गया है। उस FIR में शाकिर का नाम नहीं था, बट क्योंकि कभी हॉस्पिटल में ये इससे मिलने नहीं आया, इसने ऐसे बताया, ना ही कभी मेरे देखभाल या फ़ोन पे मेरे बारे में पूछा। और घटना के बाद जिस तरह से इसका रवैया था, इसको लगा कि ज़रूर इसके पीछे शाकिर का ही हाथ रहा है। उसके बाद उसने वहाँ से नौकरी छोड़ दी थी। लगभग 1.5 माह पूर्व ये पास में ही पार्थ ओवरसीज में आगे वापस से वहाँ पे गार्ड की नौकरी करने लगा। तब से ही इसके मन में चल रहा था कि मुझे मेरे साथ जो घटना हुई है इसके पीछे शाकिर का हाथ है, इसका मुझे बदला लेना है। कल रात को लगभग 2:50 के अराउंड ये आकांक्षा शोरूम के वहाँ आया और इसने वहाँ पे सोते हुए शाकिर को मौका पाकर अपनी जो उसके पास राइफल थी उससे गोली मारकर हत्या कर दी। इसमें वहाँ के आसपास के जो शोरूम के CCTV फुटेजेस थे और अगल बगल के CCTV फुटेजेस, इसमें इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई। इससे बड़ी पुलिस को सहायता मिली और इस केस को सफल अनावरण करने में
इसके मदद ली गई। इसके अलावा भी देखा गया कि इससे लगभग एक घंटे पूर्व भी वो वहाँ पे आया था और वो देख के उस समय कोई और व्यक्ति था इसके साथ, उसमें उसने इधर देख के गया था, फिर वो वहाँ से अपने जो पार्थ ओवरसीज है वहाँ चला गया था और फिर ये वापस अपने एक साथी ऋषिपाल को लेके आया पैदल, वो दिख रहा है वहाँ पे जाते हुए सीसीटीवी में। ये सब इसके द्वारा बताया भी गया है। और इसके पास से एक लाइसेंसी राइफल 315 बोर, 3 जिंदा कारतूस 315 बोर और 1 खोखा कारतूस 315 बोर बरामद की गई। सर, जिस तरह कल पता चला था कि जिसकी मौत हुई है घायल गार्ड ने मरने से पहले अपने परिवारजनों को कॉल किया था, तो क्या उसने भी तस्दीक की थी किसने गोली मारी या वो देख नहीं पाया था जब तक? किसी ने ये जो उसने फ़ोन आया था वो बता नहीं पाया था, उसने अपने पिता से पूछना चाहा होगा पर लेकिन वो बात उसे क्लियर नहीं। जब ये यहाँ पे आए और इसके पिता को सीधा हॉस्पिटल ले जाया गया तो इस बीच कोई किसी का नाम नहीं खुल पाया था, इसलिए मुकदमा भी अज्ञात में दर्ज किया गया था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान और सीसीटीवी फुटेजेस की मदद से ये लोगों के नाम खुले हैं और इनसे पूछताछ में पूरा घटनाक्रम का अनावरण हुआ है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.